आया है सब जावसी और राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांध कहे जंजीर कभी लोग बड़ी सुंदर बात बतावे थे भाई जिन्होंने जन्म लिया उन्होंने मरणो तो ही छे क्योंकि संसार में आदमी की मौत सत्य है मौत सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। अब रही बात अंत में हमारे भाई साहब बाबूलाल जी ने दो लाइनें बहुत सुंदर कही भगवान ने ओलो बहुत दीदो के हे प्रभु भाई शुआ की लिखी हुई एक वाणी है चेतावनी है और भगवान ने वन में ओलो दीदो रे हे प्रभु आप भी कई कई जगह रे माते गलती करो कई जगह रे माते आप भी गलती करो कई जगह रे माते बहन रे भाई नहीं बेता कई जगह रे माते मारे बेटा नहीं बेता और कई जगह रे माते मारे बेटा पावे तो मारी सेवा नहीं बेती अन प्रकार की बहुत सुंदर वाणी है। अगर समय मिलियो तो बोला वाले भरी पूछ लू जान की जय बारो काढ़ू बाकी अब आज का जो विषय को देखते हुए एक क्योंकि एक कर्म गति कई जनों रे माए शंकर भाई रे मिलवाने जाओ भाई रे पार्टी बनते हमारा केवो के भाई मारवाड़ी में कहावत है कि हाकर हो भरे खारी नहीं लगती हालांकि उम्र बोली 40 वर्ष में जाए तो भी तकलीफ है और 110 वर्ष बेन पर गया वे तो ही तकलीफ है तकलीफ तो है क्योंकि अतरा वर और फिर हाथे रे वो 10 वर्ष 20-40 पसा हाइट 70-80-90-100 अतरा साल हाथे रिया रे बाद में अगर कोई छोड़े नहीं जाए तब तकलीफ तो सबको होती है भाई पर तकलीफ अन बात रही है भगवान ने विनंती करे पर राजा रघु बड़ी सुंदर बात लिखी थी भाई क्योंकि ये मानवरी कर्म गति है कर्म करे सो बड़ी बात है बिना कर्म ना होने का अरे जो विदाता ने लेख लिखिया वो टाला नहीं टलने का अरे कर्म न हुजे चित्रकला कर्म न हुजे राज तिलक अरे कहे त कबीर सुनो भाई संतो कर्म न हुजे कोई नहीं बराबर। एक वजन प्रस्तुत करूं हरी टाली ना टले ए लिखी ओड़ी ना टले ए टाली ना टले ए लिखी ओड़ी ना टले ये कर्मोरी रेखा टाली शाह भरा टाली ना टले ये किस्मत री खोलो ये किस्मत री रेखा टाली शाह भरा टाली ना टले पुत्र हेता सागर रे नितउट निवन करे अरे शेष बेटा हेता सागर रे नितउट निवन करे राम जी नितउट निवन करे ए फरी मनुरी मारा अलक धनी री ए फरी मनुरी अलक धनी री ए धरती बीची आए ने मरे अरे हरा हो गो नगरी मारो भाभी ना चले अरे हूं चले राजा प्रजा लिखी ओड़ी ना चले और
क्योंकि लगभग दुख रो विषय तो है ही है, और दुख तो है जो जो लगभग शंकर भाई ने गले किया वेला और मारे साथी गायक तो लगभग खासा भला किया वेला, और जने भी मीरा भाभी जी ने पाती भी नो हाथी चाय पी दी बेनो हाथी अगर दो मिनट की वार्तालाप की दी वेला, ये 100% सत्य बात है कि उनको आज जरूर दुख होगा इस बात का कि आज अपने बीच में वे बता रही है बाबा विजय सिंह जी सिसोदिया भाई मिठालाल जी, क्योंकि दुख अरे संसार में सुख और दुख रो तो जोड़ो है, पर कवि बतावे तुलसीदास जी बाबा जी एक वचन लिखियो है कि दुख पड़िया बिना सुख नहीं आवे, और शंकर भाई तो लगभग लगभग वो जीवन ही शंकर से मैं जीवियो, सबसे बड़ा दुख तो वो होता है कि भाई देखिए वो परमात्मा री मन के मैं मोती प्यारू कुंडल प्यारू कौन, संघर्ष ये जीवन है, संघर्ष भी करियो बाकी थोड़ को तावारे माते आवे। अब मेरे चार बीजा नाथ ने शंकर भाई की गाड़ी बराबर पटरी पे थी, और यहाँ आके देखिए भाभी जी का साथ छूट गया, ये भी एक संकट का विषय है, दुख का विषय है, क्योंकि जाना तो है इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो मारवाड़ी में कहो के बाड़ी उम्र में काची उम्र में जाए उनको थोड़ा दुख है भाई, क्योंकि विपदा तो पड़ी इसमें कोई चिंता नहीं है, दुख तो पड़ी, और जिसको दुख आके चला गया उसको 100% गारंटी है कि उसको सुख का पहरा जरूर आएगा। और आज जो ऐश कर लिया ऐसी मैसी जैसी तैसी सब कुछ आनंद ले लिया है, एक समय उनका भी दुख आएगा, इसमें सत्य बात है, कोई मरीज लाल तालवा वालों नहीं है भाई, कणकई कण बात री जड़दो को ये अपने बात दी पैदा वो जी 3 किला ने मसौन रे मा बोनिन तोली है तो वही 3 किले से के जनों तो बापो जी 2.5 किले से वे बीड़ियो पिए शरीर तो पतलू पु करे बोले बोनी आधो किलो ओसी वे करे कोई फरक घनी जगह माते पड़े बाकी पड़े इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दुख पड़िया बिना सुख नहीं आवे। बात करूं विचारी संतो कोई किया हिम्मत हारी, एक माटी की कल्पना है ये धरती माता जो कुमार प्रजापत वीरा जो माटी करता मनोरे पाक की साधन वे तो गदेरो और माटी लेवा जाता एक दड़ो, पर माटी रे माई की तोड़ता जेवा माटी भी देखी अपनी सभा बड़ी सुंदर, ये शोक सभा श्रद्धांजलि सभा भावांजलि सभा, अगर अनुमति एक आदमी उठे न जाए तो थोड़ा दुख तो वे के नहीं है। अब माटी रे खोना रे माई दी वो कुबार जनते अमरावन माटी ने तोड़े एक दड़ो मन धर्माते मेले लेन जाए नहीं, जब माटी रो परिवार के अरे भाई आज तू माटी बिचड़ियो पर चिंता मत कर, एक समय ऐसा आएगा कि तू है नरे सिरमोर बनेला, एक कुमार मारी कोंदाली तोड़ी धरती दी किनारी, अरे सगा वाला रे मैं दी जूदा कीदा थरमाते की दी असवारी, और वह पूरी फिल्म और मटकारे माते आवे जो जने माटो घड़तो दियो किये वेला प्रजापत भाई ने हैंग रात मां मिनारी ठाड़ में भिनोवे पन्नो पिंड बनावे साकड़ा माते घुमावे पन्नो घाट बनावे डोरी रो करवत हलावे तबलो ची टीपे पन्नी वादी बजावे पन्ने अग्नि रे मां बावे, और कई ग्राहक आवे जो को टोला दे दिया माता ने टेस्ट करे करे लेके वो मटको केवे के मैं इतनी तकलीफ देखी है नी जन आज पणिहारी मने माता माते उतारे, और तकलीफ संघर्षी जीवन है, और मेरे शंकर भाई ने तो जीवन में खूब संघर्ष भी किया है इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अटे आवता पाचो मन ने दीजो देना पड़े राजा रघु बतावे अरे भैया तो कर्म गति है करो कोई नर करे सोने घनी कोशिश करो, बाकी मारे परमात्मा ने अगर मंजूर दिए तो दुनिया रे माए सावरा रे आगे किन्नी चालवा वाली नहीं है भाई, क्योंकि सीतारु हरणो पितारु मरणो वन वन रोम फरे, ये दुनिया है ये तो अबे भगवान राम जी वनवास में गया अटिने तो सीता माता रो हरण भी हो अटिने राजा दशरथ रो मरण भी हो, अब मनक मेरा वे अगर राजा भगवान राम अयोध्या रे माए ताज तो युवराज राम रहता बाकी वनवास में गया रे वो मर्यादा पुरुष तो राम बढ़िया भगवान, अगर
अयोध्या रे मायप्रा आवे तो मनक बेरा वे बात कोई करे के लो देख लो राजा दशरथ का दीकरा बेरो कमारे घरे आया और अगर घरे नहीं आवे सीता जी खोज में परा जाए तो मनक बेरा वे बाकी बात रो पलटो ठोगी लगे घरे तो बाप मुड़न वे बेरो होलता परे हम जानो की रामाते विपदा तो बनो नाम है भाई सीतारो हरणो पीतारो मरणो वन वन राम फरे अरे फोरो दिन रावण रो आयो फोरो दिन रावण रो आयो ये पानी माते पत्थर तरे ले कल मरी रे लेखा ताली शावला ताली ना तरे किस्मत री लेखा ताली शावला ताली ना तरे ये ताली ना तरे ये लिखी अड़ी रे ना तरे ये ताली ना तरे लिखी अड़ी ना तरे अरे हरा हो बड़ो नगरी मारो भावी ना तरे जो बैठोड़ा भाइयों ये लिखी ओड़ी ना तले पिताजी कावर लेने सरवण तीरथ भरे अरे मात पिताजी कावर लेने सरवण तीरथ भरे राम जी सरवण तीरथ भरे हरी माँ में दशरथ बाण हा दिया माँ में दशरथ बाण हा दिया ये चला किच आए ने मरे ले कर मरी ले ले तारी सांवला तारी ना करे किस्मत री रे का तारी सांवला तारी ना करे ये तारी ना करे ये लकी ओरी ना करे ये तारी ना करे लकी ओरी ना करे हरा हो बड़ो नगरी मारो भावी ना करे खून जो बैठोड़ा भाया लिखी ओरी ना करे आगे पीछे हस्ती झुलत जाए सिर पर छतर फिरे आगे पीछे हस्ती झुलत जाए सिर पर छतर फिरे अरे बखो पड़ियो राजा हरिचंद में बखो पड़ियो राजा हरिचंद में हरिजन करी भरे कर मरी रे रे का तारी सांवला तारी ना चले किस्मत री रे का तारी सांवला तारी ना चले ये तारी ना चले ये लिखी ओड़ी ना चले तारी ना चले लिखी ओड़ी ना चले ये हुन जोरे राजा प्रजा भावी ना चले हुन जोरे नगरी ये मारो लिखी ओड़ी ना चले अरे सूरज रसोड़े तापता संधर्मा श्राद्ध झरे ऐसे ऐसे अन धरती रे माते योदा है ता
दस माता विष भुजा कुटुंब था परिवारा। अरे एड़ा योदा गर्भ में गलिया लंकारा हिड़दारा। अरे जोवन धन पौवना दिन चारा और तू गर्भ करे किवारा। नव करे डोलिया रे पागे बादा हा जको लेख लिखे माँ विदाता टेमो टेम बट दोनों दौड़ती तोंदड़ा घोड़ो रे वास्ते तैयार करती एड़ा एड़ा योदा जनों ने वश में करियोड़ा। राजा रावण ने घर में जनते हमारा रसोई बनावनी वेदी तो गैस के शूला के लकड़ोरी जरूरत कौन थी। सूर्य भगवान ने इशारो करतो गर्मी तेज आज है जीरू जीव। रावण ने घर में रसोई बनती आज का जड़ो कोई आयोजन वे तो रावण ने घर में बोली माते काली अमाव है संद्रमान खाली इशारो करनो तो हल्को शोक झट अजवाड़ू करता पण एड़ा एड़ा भी अन भारत रे माए बुआ बाकी कभी बतावे रे बनोरी भी नहीं चाली अन कर्म बनोने भी नहीं छोड़िया। क्योंकि संसार माए कर्म गति है अगर मैं कन्नो गुनो करियो आप रे आगे हाथ जोड़िया मारे तीन समझिया मोरे बाबूलाल जी मोती का गोर कौन हाथे लीदा सुपारस लगाई तो भी एक बार तो मन कन्नी माफ कर दे रे जावा दो भाई मोती का करे के बात छोड़ो बाबू का करे के बात छोड़ो पण मनक बतावे रे भाईया कर्म कदी नहीं छोड़ेला। क्योंकि संसार माए कर्म गति है। अरे सूरज रसोड़े तापता संदर्मा श्राद्ध झरे ये सती सीतारे कारण सती सीतारे कारण अरे रावण मौत मरे कर मरी रे रे का ताली सावला ताली ना चले विषम तरी रे का ताली सावला ताली ना चले ये ताली ना चले नगरी वालो लिखी और ना तले अरे गर्भ निवारण राम जी भाई तू कण रो गर्भ करे सारे पाक की ताकत को ये कण रात्रि कणकाई करे अत्री। राजा रघु आपरा जीवन काल रे मैं एक रति भर अभिमान नहीं करियो भगवान विष्णु ने खबर पड़ी रे भाई ओ राजा रघु दान तो देवे रियो बाकी अनियो की निशी की करे दानी ऐसे दान की कापरसी की देन अरे चू चू कर आगे करे नीचा थारा नैन। विष्णु भगवान ब्राह्मण ना रूप रे मैं राजा रघु रे भागती गया एक वक्त गया दो बार गया तीसरी बार गया भगवान विष्णु ब्राह्मण ना रूप रे मैं गया राजा रघु होनारी मोरे मोटी परेवन ब्राह्मण ने दोन तो देवे बाकी बनने साथे नजर भी मिलावे नजर टेढ़ी राखे नीची राखे दान करे विष्णु भगवान तीसरी वक्त पूछियो रे भाई ने संसार में दोन तो कई भोपत करे लिया है बाकी थारे पास जो दोन देवारो तरीको है नी ओ तरीको कन्नी पाती नहीं ओ कटे ही कियो। राजा रघु हाथ जोड़ियो रे बाप जी मारे पास कोई ताकत नहीं है मारी कोई औकात नहीं है कि मैं दान कर सकूं ओ तो कोई ठा कुण तो दिए रियो ओ कुण देवाड़े रियो पण आ दुनिया मारो भरम करे मारो वेम करे के राजा रघु दोन देवे अरे मने शर्म आवे अनवास्ते मारा नैन नीचा है। भगवान विष्णु पूछियो रे दानी ऐसे दान की का परसी की देन जू जू कर आगे करे नीचा थारा नैन। उन समय राजा रघु ने रिप्लाई जवाब दी दो के देन हार कोई और है जो देता है दिन रैन अरे ये दुनिया भरम मेरा करे इस विध नीचा नैन। आइए विक्रम जी तो अंत में भाई अमृत जी जाना हे अरे गर्भ निवारण राम जी भाई तू क्यों गर्भ करे
गर्भ निवारण राम है तू क्यों गर्भ करे ये जीवड़ा तू क्यों गर्भ करे। अरे रघुवर री बीनती रे रघुवर री बीन भवत ज भगवान मरे कर मोरी रे रे काली सावला काली ना करे कर मोरी रे काली सावला काली ना करे काली ना करे ये लिखियोरी ना करे काली ना करे लिखियोरी ना करे। आजा हम बड़ो नगरी वालो भाभी ना चले गुण जोरे राजा पर जा भाभी ना चले लिखी उड़ी ना चले लिखी उड़ी ना चले देखा लिखी उड़ी ना चले जितने भी भक्त आज की शोक सभा में बैठे एक बार निवेदन करूं बड़े भाव के साथ में उस पुण्य आत्मा के लिए सभी जयकार करें। बोलो अजर अमर आत्मा की पुष्कर हरिद्वार की जय हो।